हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ। जब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने काम से, तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जब सुबह जल्दी चले जाते हैं, उसके बाद मैं घर का काम करना स्टार्ट करती हूँ। गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स, और मैं हूँ रिचा। तो कल मैंने छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बता ही दिया था कि अब मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी, चाहे मैं छोटू सा ही क्यों ना बनाऊँ, बट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं हूँ अपने किचन पे, तो ऑब्वियसली बात है कि अब मेरा खाना बनाने का टाइम तो हो ही चुका है। एंड गाइज, अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमारे दुर्ग में भी अब दिन में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो आप देख सकते हो कि आज मैंने भी वॉर्म कुर्ती पहनी हुई है। और गाइज, मुझे ना ठंड का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बरसात में सारी जगह पानी गिरा हुआ होता है, तो बहुत कीचड़ वगैरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उसमें भी आप बाहर नहीं निकल सकते, बट जो ठंड का मौसम होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है। मौसम में आप बाहर घूमने जा सकते हो, गर्म गर्म चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, जैसे कि चाय पकौड़े। सबसे अच्छा मौसम मुझे ठंड ही लगती है। तो गाइज, हो चुका है खाना बनाने का टाइम। और जब भी मैं दाल चावल बनाती हूँ, तो दाल चावल को मैं 5 या 10 मिनट के लिए भिगा के रख देती हूँ। तो अभी तो खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं जल्दी से दाल चावल को भिगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने दाल और चावल को भिगा दिया है। जब तक ये दाल चावल भीग रहा है, तब तक ये मैंने सोचा कि मैं जाम खा लेती हूँ। वैसे भी जाम हमेशा दोपहर पे खाना चाहिए, तो मुझे दिख गए थे जाम, तो मैंने फटाफट उसे कट किया, उसके ऊपर डाला मैंने नमक और मिर्ची, और मैंने खा लिया। फिर मैंने कल बनाने के लिए भाजी भी कट करके रख दी। उसके बाद आ गए मेरे हस्बैंड जी, फिर हम खाना खा के सो गए। ठंड में बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो मेरा तो डेली रूटीन है कि मैं 1 घंटे तो सोती ही हूँ। शाम को 5 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाता है, और ऐसे लगता है कि जैसे हम रात में उठ रहे हैं। तो जस्ट अभी मैं सो के उठी, 5:15 बज रही थी। एंड मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। जैसे ही मैंने गेट खोला, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा आने लगी, और जब आप सो के उठते हो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो मुझे तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। शाम हो गई है, तो पूजा करने का टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले अपने बाल ठीक किए, देन मैं अपना फेस वॉश करके आई, और मैंने अपना स्किन रूटीन किया। ठंड के समय फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पूजा करने के बाद मैं गई किचन पे, मैं बनाने लगी यहाँ पर पास्ता।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा ब्लॉग्स। बाय गाइस।